दंतेवाड़ा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 273 मतदान केंद्रों के लिए दल भी रवाना हो गए हैं। वहीं अति संवेदनशील क्षेत्र बुरगुम में स्थापित मतदान केंद्र में हेलीकॉप्टर से मतदान दल को रवाना किया गया है। मतदान दलों से जिला निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष मतदान कराने समझाइश दी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है, जो सामान्य मतदान केंद्रों में अपनी जवाबदारी निभाएगी। इस बार 7 मतदान केंद्रों को दूसरे केंद्र में शिफ्ट किया गया है। दंतेवाड़ा में 51 सामान्य और 222 संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। जिले के एसपी गौरव राय ने बताया कि जिले के संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार जिले की अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है, जिससे इस बार शांतिपूर्ण मतदान होने की उम्मीद है। बेहतर इंतजाम है और चुनाव आयोग ने सभी के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। हम सभी जो है वो रोड स्तर पर ही, मतलब हमारे जो सेंटर होंगे वो बहुत ज्यादा इंटीरियर में नहीं है, हम सभी रोड एरिया में ही कार्य करेंगे। हम सभी पूरे तरीके से तैयार हैं, हमारे ऑफिसर्स ने बहुत बेहतर तरीके से सभी को ट्रेनिंग से दी है। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 7 नवम्बर को मतदान है। आज 6 नवंबर को मतदान दल यहाँ से रवाना हो रहा है और सुरक्षा संबंधी यहाँ दंतेवाड़ा जिले में टोटल 273 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 51 मतदान केंद्र सामान्य हैं। इसके अतिरिक्त 222 मतदान केंद्र संवेदन अति संवेदनशील है। जो जिला दंतेवाड़ा में जो 88 नंबर का जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 273 मतदान केंद्र हैं और मतदान दलों की रवानगी स्टार्ट हो गई है और कल हमारी पूरी तैयारी है जो इलेक्शन को लेके। और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों को एक बार पुनः सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना वोट कल जरूर दें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें और आपका एक वोट जो है काफ़ी चीज़ें बदल सकते हैं।